लेकिन किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है उसका कारण यही है कि हमारी वाइटलिटी लो है, और वाइटलिटी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारे अंदर का ये बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। आहार में अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। हमारे साथ में हैं डॉक्टर सलीला तिवारी, जो कि 22 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की डॉक्टर रह चुकी हैं। डॉक्टर सलीला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। सलीला जी, आपने बहुत सारे मरीजों को देखा होगा अपनी लाइफ में, चेस्ट इन्फेक्शन के भी बहुत सारे मरीज आपके पास आए होंगे, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये चेस्ट इन्फेक्शन होता क्यों है? देखिए, किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है चेस्ट में तो आ ही जाता है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में चेस्ट सबकी वल्नरेबल हो गई थी। लेकिन किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है उसका कारण यही है कि हमारी वाइटलिटी लो है, और वाइटलिटी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारे अंदर का ये बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। और खास तौर से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन इसीलिए होता है क्योंकि हमें, एक तो आहार हमारा ठीक होता नहीं है, आहार में सही चीजें मिल नहीं पाती है, और पानी कम पीते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, धूप का प्रकाश नहीं मिल पाता है, और ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। इन खास तौर से आहार में अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है। और इन्फेक्शन होने का कारण भी यही है कि हमारा शरीर शुद्ध नहीं होना, जहां जहां गंदगी होती है वहीं पर बैक्टीरिया का अटैक होता है। हमारा साइंस कहता है जहाँ कूड़ा है वहाँ कीड़ा है, इसीलिए हमारे शरीर में जो भी हम भोजन करते हैं वो पहले पचता है, पचने के बाद पोषण में जाता है, और पोषण में जाने के बाद मलमूत्र पसीना सांस से गंदगी निकल जाती है। अगर ये गंदगी शरीर से ना निकले तो ये जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको पनपने के लिए ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है, इसीलिए उसी जगह पे वो अटैक करते हैं और फिर इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन में हम लोग गलती ये करते हैं कि सबसे पहले जो है हमें चेस्ट में तकलीफ होती है, तो चेस्ट में तकलीफ होती है और हमेशा हम दवाई खा करके उसको रोक लेते हैं। तो दवाई खा करके रोक लेने के बजाय अगर हम थोड़ा सफाई कर लें और थोड़ा थोड़े दिन अच्छा आहार ले लें, जिसमें कि बहुत अच्छे मात्रा में हमें फाइबर मिले, विटामिन मिले, मिनरल मिले, एंजाइम्स मिले, खास तौर से विटामिन सी मिले, तो हमें शरीर में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले 1-2 दिन, 4 दिन फलाहार पे 5 दिन रहना पड़ेगा, जिसमें कि हम प्रचुर मात्रा में गर्म पानी पिए। लेकिन अगर हम शोधन साथ में कर लें, शोधन में जैसे हम एनिमा कर लें, कुंजल कर लें, खास तौर से चेस्ट इन्फेक्शन में कुंजल करना बहुत अच्छा फायदा करता है, जल नेति कर लें, थोड़ा स्टीम ले लें, यूकेलिप्टस ऑयल वगैरह लगा करके या पानी में डाल करके, ना मिले कुछ तो झंडू बाम में इस तरीके की सारी चीजें होती है, तो वो लगा करके चेस्ट में, नाक के अंदर, सिर के ऊपर, फोरहेड में और गले में लगा करके अच्छी तरह से 10-15 मिनट स्टीम ले लेनी चाहिए। ये सुबह शाम स्टीम लेने पर ये इसमें बड़ा लाभ होता है। तो लेकिन सबसे पहले आहार में, सबसे पहले उठ करके अगर हम थोड़ा सा, मैंने देखा है गिलोय का काढ़ा, जहां भी इन्फेक्शन हो गिलोय का काढ़ा ले लें। गिलोय आजकल बहुत आम मिल जाती है, पान के पत्ते जैसे उसके पत्ते होते हैं, और उस पत्तों के अंदर की जो डंडी होती है, स्टेम जिसको कहते हैं, स्टेम 5-6 इंच की ले लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें, कूट लें, उसमें थोड़े फ्रेश हल्दी के टुकड़ा डाल दें 1 इंच, अदरक डाल दें, थोड़ी काली मिर्च और तुलसी के पत्ते खूब सारे डालें 10-15, वो डाल करके कूट के अगर हम उबालें, और पानी जब आधा हो जाए, करीब करीब 2 कप में से बड़ा मग हो उसमें एक रह जाए, तो उसको पीना चाहिए सुबह शाम। ये पीने से बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। जो गिलोय है उसको हम अमृता कहते हैं संस्कृत में, अमृता यानी अमृत के गुण रखता है, इसीलिए ये इन्फेक्शन में, बुखार में, यहाँ तक कि कैंसर में भी ये बहुत जबरदस्त फायदा करता है। इसीलिए हर पेशेंट को चाहिए कि
कि गिलोय का काढ़ा बना करके पिए और उसमें नींबू शहद अगर मिले तो बहुत ही फायदा करेगा। तो सब्जियों का ब्रॉथ ले लें, सूप ले लें गरम गरम, और उसके साथ में थोड़ा जो है स्टीम्ड वेजिटेबल लेकर के, सैलेड लेकर के और जूसेस लेकर के रहें तो बहुत जल्दी फायदा होता है। क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए चेस्ट इन्फेक्शन होने पर? चेस्ट इन्फेक्शन में सबसे पहले तो हमें बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन बंद कर देना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो अगर हम एसिड और अल्कलाइन दो तरह का भोजन होता है, हमारा साइंस कहता है कि एसिड जहां पर मात्रा में बढ़ जाता है हमारे रक्त में हमारे शरीर में, तभी बैक्टीरिया उसका अटैक करता है। तो इसीलिए जितने फल सब्जियां सलाद सूप जूस नींबू टमाटर आंवला, खास तौर से 1 चम्मच आंवले में विटामिन सी जो है 20 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है। तो अगर आंवले का रस लिया जाए, ग्रीन जूस बना के लिया जाए, सभी तरह के पत्ते डाल दें, धनिया है पुदीना है एलोवेरा है व्हीट ग्रास है करी पत्ता है, और थोड़ा सा उसमें जो है आंवला काट के डाल के पीस के उसका जूस निकाल करके उसका पानी जो है निकाल के हम पी लें, बहुत जल्दी इन्फेक्शन ठीक होता है। तो इन चीज़ों को लेना चाहिए। बट एसिड डाइट, तली भुनी चीजें ना खाएं, कोई यहाँ तक कि पका हुआ भोजन जैसे दाल चावल रोटी सब्जी अनाज थोड़े दिन बंद कर दें, 2 दिन 3 दिन बंद करें, और थोड़े दिन अगर हम इस तरीके के आहार पे रहते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर हो विटामिन मिनरल एंजाइम्स हो और शरीर का शोधन कर लें। शरीर का शोधन करते ही 2 दिन के अंदर मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने बताया कि मुझे कोरोना होने के बाद में दवाई वो खाई अब तो मैं ठीक हो गया, लेकिन आवाज मेरी बंद हो गई, आवाज निकल ही नहीं रही है। तो इस तरीके का जो है ये दवाइयों से फर्क तो पड़ जाता है, लेकिन कोई ना कोई उसका कारण रह जाता है अंदर, तो फिर से तकलीफ होने लगती है। मैंने उसको कुंजल कराया, जलनेति कराई, भाप दिलाया, शोधन कराया, 2 3 दिन उनको मैंने कहा गरम गरम आप नींबू शहद का पानी लो, गिलोय का काढ़ा लो और ग्रीन जूस लो, बिल्कुल 3 दिन में उसकी आवाज लौट आई, सब कुछ ठीक हो गया। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर हम आयुर्वेद में भी कहते हैं लंघनम परम औषधम, अगर हम लंघन कर लें 2 3 दिन का, तो हम जब भी किसी भी इन्फेक्शन में किसी भी वायरस का किसी का अटैक हुआ हो, तो अगर हम भोजन करते हैं हमारा साइंस कहता है प्राकृतिक चिकित्सा, तो ये जो है बैक्टीरिया को ताकत मिलती है, रोग को ताकत मिलती है, रोगी को कभी नहीं मिलती है, इसीलिए लंघन कर देना चाहिए। लेकिन जितना जिसको जिसको इन्फेक्शन होता है, लंग्स कमजोर होते हैं, लंग्स को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप रोज प्राणायाम का प्रैक्टिस करें। हम कम बंद कमरों में रहते हैं, मुंह ढक करके सोते हैं, तो इसीलिए जहां पर पॉल्यूशन होता है ऐसी जगहों में रहते हैं, तो कम से कम 1 घंटा अगर हम सैर करने चले जाए, किसी पेड़ पौधे ग्रीनरी जंगल पार्क ऐसी जगह पे चले जाए और वहां जाकर के सैर करें, भरपूर प्राणायाम करें, खास तौर से अनुलोम विलोम प्राणायाम, गहरी सांसों का अभ्यास करें, और साथ में जो है कपालभाति अग्निसार वगैरह जो है ये करने पर बहुत फर्क पड़ता है। मैंने देखा है लंग्स का भोजन जो है हवा है, और लंग्स में इंफेक्शन का मतलब हम लोग उसका जब भी गंदगी होती है तभी इंफेक्शन होता है। तो खांसी जुकाम बलगम तभी होती है, जो कभी भी खांसी से हाथ से बलगम निकलती नहीं है, खांसी से ही वो जो है उंगली डाले बिना ही अपने आप नेचर उसको साफ कर लेती है। तो इसीलिए अगर हम कुंजल कर लें तो आप देखेंगे 2 दिन में ही बलगम खाली हो जाएगी, लेकिन बलगम बन कहाँ रही है, सोर्स कहाँ है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहता है बहुत दिनों का। तो इसीलिए बहुत कि हम अपने भोजन में रोजाना 50% भोजन हमारा कच्चा जरूर होना चाहिए। खाना खाने से पहले 1 मिनट सैलेड खाया करें, खाना खाने रात के खाने में जरूर सूप ऐड करिए, अब तो सर्दी आ रही है, अगर हम रोज सब्जियां जो है ऐड करें तो बहुत फर्क, अगर हमारा साइंस कहता है कि एसिड अल्कलाइन का बैलेंस रखा जाए तो कोई रोग नहीं होगा। तो अगर हम सारा दिन के भोजन में जो है 40% फल खाएं,
30% वेजिटेबल खाए, वो सैलेड और सूप और सब्जियां सब मिला करके, और साथ में 20% केवल हमें जो है आहार अन्न लेना चाहिए, और 5% नेचुरल शुगर मिले, 5% नेचुरल जो है फैट मिले। तो ये ऐसा अगर हम मैक्सिमम नेचुरल लेते हैं तो हमारे शरीर की वाइटलिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। फ्रेश एयर, प्राणायाम बहुत जरूरी है, आसन करना, चेस्ट की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और आंवला आजकल मिल रहा है, आंवले का रस जरूर लिया करें, आंवले का रस जो है बहुत फायदा करता है। तो इसीलिए इन्फेक्शन में इन चीजों का ख्याल रखा जाए, अतः जब छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने दिखा है। हाँ जी बताइए। जब चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो सांस लेने में कई बार तकलीफ होने लगती है, तो क्या ऐसे में योग आसन प्राणायाम करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले हमें स्टीम लेना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए, और सवेरे के टाइम पे कुंजल करके गर्म पानी पी लें 3-4 ग्लास, और कुंजल करके उंगली डाल करके पानी को निकाल दें तो सारी बलगम निकल जाएगी, तो अंदर से सांस खुल जाएगी आपकी, और थोड़ा एक गर्म पाद स्नान होता है प्राकृतिक चिकित्सा में, क्योंकि हमारी चिकित्सा में कोई औषधि नहीं होती है, मिट्टी पानी धूप हवा जो है साइंटिफिकली हम यूज करते हैं, सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो गर्म पाद स्नान जो है, स्टीम बाथ, गर्म पाद स्नान बहुत फायदा करता है। एक बाल्टी में जो है गर्म गर्म पानी रखिए और उसके अंदर पैर रखिए जितना सह सकते हैं, गर्म पानी पीते हुए एक कंबल ओढ़ करके आप बैठ जाएं और गर्म पानी पीते रहें, सर को जो है थोड़ा ठंडा तौलिया रखें ताकि सर पे गर्मी ना चढ़े, और थोड़ा पसीना आएगा और सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, ये बहुत। तो ये आर्म एंड फुट बात होता है, हाथ को भी गर्म पानी में रखते हैं, पैर को भी, हाथ का संभव ना हो पैर का पाद स्नान ले लिया जाए हॉट फुट बाथ, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए स्टीम लेना, कुंजल कर लेना, साथ में गर्म पानी पीते रहना, गर्म जो है वेजिटेबल ब्रॉथ जो है लेते रहना, और नींबू शहद का पानी लेते रहे, आंवला लेना, ये बहुत जबरदस्त फायदा करता है चेस्ट इंफेक्शन में। कई बार लोग कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना पीना चाहिए, तो जब आप सिट्रस फ्रूट लेते हैं तो फिर वो तो खट्टे होते हैं। ऐसा है कि लोगों का अगर गला खराब हो रहा है तो खट्टा जो है अचार नहीं लेना चाहिए, हमें तली भुनी चीजें नहीं लेनी चाहिए, तो उस वक्त आप जो है ये कर सकते हो कि थोड़ा नमक के पानी में हल्दी डाल के उबाल दीजिए और गरारे करिए ताकि गला ठीक हो जाए। तो इन्फेक्शन जो है, ये खट्टी चीजें जो है, खट्टी चीजों में उसको अगर नींबू डालें तो शहद डाल के उसको बैलेंस में कर लें, थोड़ा नींबू डालिए शहद डाल दीजिए ताकि वो खट्टा ना लगे, गले में छूने से आपको इरिटेशन होती है, लेकिन विटामिन सी तो बहुत जरूरी है, हर रोग में विटामिन सी के बिना जो है रिकवरी होना बहुत जरूरी है, हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति जो है हमारे जो है विटामिनों में होता है, विटामिन सी में, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। और आंवला तो बहुत ही फायदा करता है, शहद मिला के आओ, एक छोटे छोटे बच्चों को भी इन्फेक्शन हो जाता है, शहद मिला करके अगर हम इसका रस चटा दें आंवले का, बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए अपना गला ठीक करना चाहिए, पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तभी गला खराब होता है, तो इसीलिए आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपका गला खराब ना हो, तो उसके लिए एसिडिटी कम करना बहुत जरूरी है। तो एसिड अल्कलाइन का ख्याल रखिए, और खास तौर से आपने पैर गर्म पाद स्नान ले लें, हम आपका जो है कुंजल कर लें, भाप ले लें, ये बहुत फायदा करता है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा को फैलावा दीजिए, नहीं तो अलग अलग बीमारी आती रहेगी, और हमारी वाइटलिटी को स्ट्रांग बनाने का बहुत जल्दी हमें उपाय करना। ये आप कहते हो कि योग कैसे किया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए इन्फेक्शन में, लेकिन अगर रोज हम प्राणायाम करते रहे, फ्रेश एयर में जाते रहे, आसन करते रहे, आहार में हमारा विटामिन सी वगैरह कच्चा भोजन लेते रहे, फाइबर लेते रहे, तो हमारे बीमारी होगी ही नहीं। तो इसीलिए हमें रोगों के कारणों पर जाना चाहिए कि रोग ना हो उस पर उपाय किया जाए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।